आदाब नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं हुकराम। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं जो कि हमें बड़ी ही कुर्बानियों के साथ मिला था, और इस दिन हम सब एक दूसरे से सारा बैर मिटा के, चाहे हम पड़ोसी हो, कहीं के रहने वाले हों, सब हम भारतीय हैं, एक दूसरे को विश करते हैं, गले लगाते हैं और इस आज़ादी के दिन को अच्छी तरह से मनाते हैं। और इस आज़ादी के दिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने काम के लिए इनाम मिलता है, पुरस्कार मिलता है, मेडल्स मिलते हैं, जगह जगह सम्मानित किए जाते हैं, क्योंकि साल भर व्याख्या की जाती है कि भाई इस शख्स ने अच्छा काम किया तो उन्हें कोई ना कोई अधिकारी सम्मानित करता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि आज 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत सारे लोगों को सम्मानित करते हैं, जो सेना से जुड़े लोग होते हैं या और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग होते हैं। लेकिन इस सम्मानित के नाम पर और इस मेडल के नाम पर कुछ लोग ऐसे हैं जो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। एक खबर सामने आ रही है जहां पर मेडल दिलाने के नाम पर 15 अगस्त के दिन घूसखोरी का मामला सामने आया है। एक अधिकारी ने ऑफर दिया था कि आप मुझे पैसा दो, मैं आपको मेडल दिलाऊंगा, नाम दिलाऊंगा, जिससे आपका नाम देश भर में होगा। इस खबर के सामने आने के बाद जब ये चीज़ जांच में आई तो पता चला कि उसने सच में घूस ली थी, जिसके वजह से उसे निलंबित कर दिया गया है, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया है। पूरी खबर आपको डिटेल के साथ बताता हूँ, लेकिन उस पर जाने से पहले आपसे अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर आ रही है उत्तराखंड के देहरादून से, जहां पर पुलिस मुख्यालय में एक SI तैनात है जिसका नाम है प्रमोद कुमार। उसे घुसखोरी के मामले में निलंबित किया गया है। उसने यहीं के एक SDRF के शख्स को यह बोला था कि मैं तुम्हें मेडल दिखा सकता हूं, बदले में तुम्हें मुझे कुछ घूस देनी होगी, क्योंकि आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त के दिन अगर आपको मेडल मिल जाएगा तो हो सकता है आने वाले वक्त में आपकी तरक्की हो जाए। इसके बाद वो ऑडियो जो है किसी तरह से वायरल हो गई, और वायरल होने के बाद जब जांच हुई तो पता चला इन प्रमोद कुमार भाई साहब ने उनसे पैसे मांगे थे, SDRF के जवानों से, और कहा था मेडल मैं आपको दिला दूंगा। इस बात को लेकर बड़े अधिकारियों ने सारी जांच की और जांच करने के बाद प्रमोद कुमार को, ASI प्रमोद कुमार को उन्हें निलंबित कर दिया। ASI प्रमोद कुमार SDRF में है और ये उत्तराखंड में तैनात है। इन्होंने कई सारे नौजवानों का ये ऑफर दिया था कि 15 अगस्त जिस दिन आएगा उस दिन मैं आपको मेडल दिला सकता हूँ, बदले में आपको मुझे कुछ रकम देनी होगी। और ये कुछ रकम लगभग, जो अभी सूत्रों से जानकारी मिल रही है, तकरीबन लाखों के उसमें बताया जा रहा है, जहाँ तक अभी तक जानकारी सामने आ रही है। लेकिन इस बात की किसी तरह से जब लीक हो गई उसके बाद इन पर गाज गिर गई। इसके अलावा और भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दे जा चुके हैं। अब अगर ऐसा पहला कुछ किया तो पुलिस को इसको अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए, आला अधिकारी को और जांच बैठानी चाहिए कि क्या इसने पहले भी झूठे मेडल किसी को दिलाए हैं, क्योंकि अगर ये जांच हुई तो तभी सामने आ पाएगा कि क्या इसने कहीं और मेडल दिलाए हैं नहीं। लेकिन फिलहाल 15 अगस्त के दिन इस तरह के SI ने कलंक लगाने का काम किया है कि जहां पर वो झूठे मेडल दिलाने का काम कर रहा था। आप लोगों को जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी नई खबर के साथ।